लगाया है उसकी वजह से कान में असर हो रहा है, तभी मैं इसकी वो अब मैं दवाई सारा साल दवाइयां ही खाती हूं। जो बाजी करती थी यहां चोरी हो कढ़ाई बनानी है, कभी है कैसे नहीं गए कुछ बनाना है, मैं उनको कुछ भी बना कर दे देती हूं। मैं उनको कहती हूं वो फलां फलां जो कढ़ाई मैंने देखी थी ना, ये वो वाली कढ़ाई है। अभी मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, ये बेसन भी मैंने साफ कर दिया है, नीचे से फर्श भी धो लिया है, मैंने सफाई भी की है, अभी मैंने साथ चाय भी बनाई है, एक कप पी है, तो ये वाला सफाई मैं अभी कर रही हूँ, फर्श धो रही हूँ, बाहर वाला भी मैं धोऊंगी, ये कैसे गंदा हो गया, अभी मैं बाहर वाला फर्श भी धोऊंगी। ये देखिए अभी मैंने फर्श धो लिया है सारा घर का, इसका जितना भी देखो ना धो लेना तो इसका पता नहीं चलता। तो ये मैंने किचन भी साफ़ कर दिया है, बर्तन भी धोए हैं, अभी मैं आटा गूंथूंगी, बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊंगी, तो दाने साफ़ करने वाले हैं, मैं साफ़ खुद तो नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सर्दी है, पंखे के आगे नहीं खड़ा हो जा सकता, तो बेटे को दे भेजूंगी जो खुद ना दाने जो है मशीन पर दे भेजूंगी, तो खुद ही सफाई भी कर देते हैं और दाने पीस भी देते हैं। तो ये वाला आटा मैंने भाई से मांगा है, भाई एक गिलास हमें दे दो तो फिर हमसे ले लेना, तो अभी मैं आटा गूंथूंगी और बच्चों को लोची खानी है, पराठा नहीं खाना, लोची खानी है, पराठा खाना, अंडा खाना, अंडे के साथ पराठा खाना है। अच्छा मैं आपका अंडा भी फ्राई करूँ, दादा आपने अंडा कौन सा खाना, मिर्च वाला खाना या नमक वाला? नमक वाला। ओए बिस्मिल्ला, अली को भी उठा लो भाई, अली को उठा लो, अली भी आ मेरी जान। अली बादशाह आपने कौन सी चीज खानी है? हमने तो सब कुछ कर लिया, अंडा। अच्छा जी ये अंडा हो गया फ्राई, रिदू बेटे का, रिदू बेटे का, रिदू बेटी का, माशाल्लाह। ये मैं अपना ऑमलेट बना रही हूँ, टमाटर वाला और हरी मिर्च वाला ऑमलेट बना के ना ये खाऊंगी जी बेटे। अच्छा सुमेरा जल्दी जल्दी हो जाओ बेटा, आज तैयार हो जाओ, नहीं क्या बनाने? नहीं नहीं अब मैं जाना है। अच्छा मेरे कपड़े पे इस्त्री कर दो, हम सब नहीं जाना है या आप नहीं जाना? सिर्फ हम नहीं आएंगे, अच्छी बात है नहीं आएंगे, मुझे तो डॉक्टर के पास ले, डॉक्टर की दवाई ही बेटा खा, लेकिन आज नहीं दो दिन बाद शेर बंडा खाना है, सालन खाना, तुम अंडा लेना है, सालन कौन सा है, मैं भी सालन अंडा ले रही, मैं मुना खाती हूं एक मैंने वो बच्चियां खेलती रहती हैं। काम मैंने किचन का कर लिया है, सुबह का सारा हमने काम किया है, तो कमरों की सफाई रह गई है, अब मेरी बेटी कमरों की सफाई करेगी, तो मैंने जाना है अभी सुमेरा की दवाई लेने क्योंकि इसके कान को दर्द है, जुकाम लगाया है उसकी वजह से कान में असर हो रहा है, तभी मैं इसकी वो दवाई, अब मैं सारा साल दवाइयां ही खाती रहूँगी, तो दवाई भी तो लेनी है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह किचन तो मेरा साफ हो गया, किचन साफ हो जाए ना तो फिर मैं कहती हूँ सारा घर का काम हो गया। दोपहर के लिए मैंने आटा भी गूंथ दिया है, बर्तन भी धो दिए हैं, तो पकाने वाले आज अभी मुझे नहीं पता इन्होंने क्या बनाना है, इनकी क्या ख्वाहिश है, मैंने वैसे बनाना क्या है, मुझे दिल नहीं कर रहा, जो मर्जी बनाए आप लोग, ये भी कह रहे हैं चिकन कढ़ाई बनाए, जो आपका दिल करे, मेरा दिल नहीं है ऐसे कुछ खाने, वो भी बड़े वाला पड़ा है वो बना लेंगे, आलू गोभी बना लो, वैसे मैं चिकन कढ़ाई बना लेते हैं क्योंकि बच्चे भी हैं, तो बड़ा गोश्त जो है, मेरा उल्टा हिसाब है, पहले दिल नहीं करता था, बन जाए तो दिल कर जाता, चलें अल्लाह खैर करेगा, बने बनाए पर तारा को शेर रहता है ना, नहीं सच्ची में पहले किसी चीज का दिल नहीं करता, मैं कपड़े इस्त्री करने हैं तो मैं कपड़े इस्त्री कर लूं, बेटा श्वेर जेब की भी ले आओ, शोर नहीं करो मैमुना, क्या मसला है बच्चे, मैमुना ना मोड़ क्यों
वो कहती है हर वक्त मैं प्रिंसेस बन के घूमू। अच्छा सोनी क्या कर रही हो? मैं फ्रेश हो रही थी, सुबह तकरीबन 10 का टाइम था ना, तो बच्चे सोए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो वैसे भी दरवाजा है खोल के नहीं रखती, वैसे भी नहीं रखना चाहिए बंदा गली से जो लोग गुजरते हैं ना जब देख उनकी नजर आती है मतलब बुरा लगता है, क्योंकि औरतों के पास अक्सर जो बाजी रहती थी यहाँ चोरी हो गई, तो वो बेचारी तो इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई उनकी तो वो कह रही थी मेरे पास घर पर ना मेहमान भी आए हुए थे, उसके भांजे पे आए हुए थे बेचारी के, तो उनकी भी मोबाइल अपने उनके घर की भी मोबाइल और 16,000 रुपया भी वो तो लेकर चले गए थे, मोबाइल उन्होंने छत पर तोड़ दिए। मोबाइल तोड़े क्यों है मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही, उन्हें लगा होगा कि इसमें कोई खजाना छुपा हुआ है। हाँ तो वो घर पर सो रहे थे जी, सब लोग जो है ना सो रहे थे, ऐसी भी अंदेशी की नींद भी होती है ना इंसाना की, उनको पता ही नहीं होता बस हमारे कमरे में कौन घुसा है, तो कमरे भी दो है हमारे जैसा घर भी छोटा सा, तो ऐसे नहीं भी कोई बड़ा घर हो तो कोई एवं कहें, तो तीसरी मंजिल है, छत पर आए, छत से ही वो अपना सब कुछ अपना काम करके चले गए। तो इतनी यकीन करो परेशानी मुझे बन गई ना, मैं घर में काम कर रही थी तो मेरा भी दिल जो है ना थोड़ा सा धड़कने लगा, चोर का लफ्ज ही बड़ा है कांपने के लिए। बच्चियां जाग नहीं रही थी, सब उधर में जुहेब को जगाने गई तो जुहेब भी नहीं उठा, ये भी नहीं, जब मैंने इनको बोला ना चोर 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 ये भी उठ पड़ी, शुक्र है उठ तो गई ना। हाय माँ सदिका मुन्ना, तो सब ये बेचारे शौक में हो गए, मेरा नहीं करे ना मेरे समझा, हमारे घर में चोरी हो रही है, चोरी हो गई है, तो अम्मी ऐसे बोल रही है, मैंने उनको बोला अल्लाह पाक की रहमत है हमारे घर पर, शुक्र है अल्लाह का लख लख शुक्र है, शेब जब जाता है वो मुझे जगा कर जाता है, वो मैं फिर दरवाजा बंद कर लेती हूँ बाहर से, अंदर से दरवाजा, दो दरवाजे है ना हमारे घर के, मैं फिर वो वाला भी बंद कर लेती हूँ, ये वाला भी कहना बाहर का तो बंद हो जाए ना फिर आसानी से खुलता, वो असल में इंसानों से नहीं खुलता, वो इंस्पेक्टर दया से खुलता है। तो दरवाजा खुलता नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी मैं बड़ी केयर अपनी करती हूँ, केयर तो अल्लाह की जात की होती है, अल्लाह पाक ने चीजों की सेफिंग रखी होती है, अल्लाह ताला ही हर एक पर रहमत बरसाए, लेकिन मैं उस बात पर ना सुबह से मैं परेशान भी होगी, नाश्ता फिर मैं बनाया ना तो बहुत परेशान होगी। अच्छा आज आप लोगों ने क्या खाना है मुझे ये बताएं, बनाना क्या है जल्दी जल्दी बोलो। आज हमने मियां मटर पुलाव नहीं खाती तो नहीं, मटर ये जो चीजें बोल रही है एक भी चीज उनमें से नहीं खाती, देखिए मैंने दो पीसेस है कान के, आज हमने खाना बनाना है, मेरी आज सुन ले, चिकन कौरमा आप लोगों ने बनाया, मेरी भी सुन लेना, चिकन व्हाइट को व्हाइट कढ़ाई बनाए चिकन व्हाइट, सिंपल सा हमने खाना बनाना है, हमने कोरमा बनाना है और साथ में मटर पुलाव बनाना है जी, सिंपल सा है जी सब कुछ हमारे घर पे, क्या है रिदा इंतहाई सिंपल है ये देखिए, तो ये इंतहाई सिंपल ही खुद ही बनाएगी भी, आप बनाओ ना मुझे भी दो, नो प्रॉब्लम मैं बनाने के लिए तैयार हूँ, ये इसने कभी यारी मानी है, चावलों के लिए दो बनाए जा, चले हम किचन में चलते हैं कुछ पकाते हैं, चाय के लिए दूध खत्म है, दूध खत्म हो गया जी, आज तुम मेरा ना मीठा भी खाने के ऊपर जीत जा रहा, क्या बनाए मैं तो मीठे चावलों को जर्दा जी चाहता, जर्दा बनाते हैं जर्दे के लिए नहीं चाहता, अभी मैं हांडी बनाऊंगी, हांडी का टाइम हो चुका है, हांडी बनाएंगे कुछ वेब आ जाएगा, अब मैंने दूध भी लेने जाना है, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बच्चों का मूड ही खुश करना, बच्चे मेरे जड़े हैं ना वो कभी एक कढ़ाई बनानी है, कभी एक कुछ बनाना है, मैं उनको कुछ भी बना कर दे देती हूँ। मैं उनको कहती हूँ वो फलान जो कढ़ाई मैंने देखी थी ना ये वो वाली कढ़ाई है, तो
की सादगी कहती मैं कुछ भी बना कर दे देती हूँ, कहती हूँ ये वो ही है। नानो ये मुर्गी कैसे है, मेरे कैमरे में आ ही नहीं रही, नजर ही नहीं आ रही। हाँ अब नजर आई है, ब्लर हो रही। ये मुझे लग रहा है छोटी मुर्गी लाया है। हाँ ये छोटी लाया है। ये जब भी शुएब को कोई काम कहना वो ऐसे ही करता। मुर्गी अंडों पर बिठानी थी, छोटी हो जो बड़ी हो खा ही जानी है ना। जायके में भी फर्क होता है ना। ओहो एक्चुअली आज सारा कुछ दुश्मन ही लेकर दिया है, जिसकी वजह से आज छोटी मुर्गी आई है। आप सबको समझ में अपनी तबीयत में जितना बुखार है, जोर का बुखार हो रहा है मुझे, यकीन है मेरे जिस्म। अच्छा सर मेरा भी भारी है, मैं आधी बीमार तो पहले से ही थी, अब ऐसी बीमार हो गई कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है मुझे लग रहा है। जाती मुझे एकदम ना जोर का बुखार चढ़ जाए। हाँ बड़ी शौक है तो थोड़ा सा जब मैं काम करती हूँ ना वो भी ना मुझे करना पड़े। अच्छा घर में जो काम मैं करती हूँ ना वो मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता, फिर भी ये लोग मुझे कोसते रहते हैं कि नहीं, मेरे अलावा कोई कर सकता है। नाम खाते करो ना। अच्छा ये मैंने खुशक धनिया, फिर धनिया एक काली मिर्ची मैंने ऐसे पीस ली है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं और डाला, टमाटर दो डाले हैं, तो ये मैं काली मिर्ची पीस ली है, फिर धनिया हल्दी नमक प्याज और लहसुन अदरक जो है ना इसको पेस्ट। दिल को मेरा किया मटरों वाला पुलाव बना लें, मैंने सोचा नहीं बनाती क्योंकि जो अली है ना बहुत हंसता खेलता है, बहुत शरारती है वो, मुझसे बहुत शरारती करता है। हम रात को जब सोते हैं ना वो मेरे पास ही सोता है ना, रात के 9 बजते हैं, 9 के बाद तक मस्तियाँ करते हैं, फिर 1 बजे तक बच्चा मस्तियाँ करता है। नाना अबू से जब खेलते हैं यकीन करें, नाना अबू जब वीडियो कॉल करते हैं इसको तो इतना प्यार से नाना अबू के साथ खेलते हैं, नाना अबू भी इसके साथ खेलता है, उसको उनको भी अच्छा लगता है बेचारों को। मेरे अबू को बस से चलता हूँ और ही इसके पास आता अच्छा लगता है ना बच्चे जो है अपना जो फोन होता है। आप लोग कितने लकी हैं आप अली के पास। हाँ वो फोन में से वो कहते हैं फोन लगा कर इन तीनों के पास छोड़ दिया करो, मैं इनको देखता रहूँगा, वो देख देख के हंसते रहते हैं। ये बेटी मेरी रोटी बना रही है, गैस है तो जल्दी जल्दी से मैंने सोचा दोनों काम निपटा लीजिए। दादा मेरा बैठा है उसको भी भूख लगी है, मुन्ना को मम्मा ने डांट दी है, फोन परेशान हो गई है, फोन मूड क्यों खराब हो गया है, और इसकी टांगे देखो कैसे बैठी है। ये देखो छोटी सी हमारी जो लेडी डियाना है ना, ये छोटी लेडी डियाना हमारी जो, हाँ भाई कैसे घूर रही है। ओ चो 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 ओ मैंने किधर जाना है पहले मुझे ये बताएं। मैंने कहीं भी नहीं जाना है, मैं रोटी खा के आके ना बिस्तर में लेट जाऊंगी क्योंकि मुझे बुखार हो रहा है। आपको आपको मेरे गले से नहीं लग रहा है मेरे गला कितना खराब है। ये मम्मा का बैग किसने निकाला है बाहर, मून ने क्यों निकाल दिया है मून, तुमने मेरा बैग क्यों निकाला। ये देखो इन्होंने कपड़े भी नीचे गिरा दिए हैं, ये देखे इन्होंने यकीन करो ना पूरी चरपाई का हाल देखे, थोड़ी आखी आई। हाँ अच्छा आए बाय बाय कर दो इनको, ऐसे ऐसे नहीं मुंह से भी बोल देना। चैनल सब्सक्राइब करें बोलो, तो हांडी गई बन। ये हांडी जो है कलर तो है टमाटर का, इसमें मैंने कोई नहीं लाल मिर्च डाली क्योंकि बच्चों ने बोला था नमकीन मम्मा बना दे हमें वो अच्छा लगेगा, बच्चों ने वाइट बोला था। हाँ वाइट नमकीन जो भी बोला वाइट कढ़ाई, आज मैंने जो भी बना दिया है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बना है, तो
बच्ची कभी कभी जहन इंसान का जो नहीं रहता, मुझे बुखार है यकीन करें, आपको पता ही नहीं है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ, बेटी रोटी बनाई बैठी है, तो मेरे ख्याल में ये बंद कर दे रहे हैं। व्लॉग है, ज़बरदस्ती मैंने बनाया है क्योंकि मेरी सेहत नहीं ठीक हो, इसलिए तो आज के व्लॉग का मैं इधर ही इख्तिताम भी करती हूँ कि मैंने आंडी बनाई है। बनाना तो कुछ और भी था, आज बनाना मैंने पिज़्ज़ा था, वैसे वो नहीं मैं बना सकी क्योंकि बच्चे सब बीमार भी हैं, तो हेल्प करने वाला भी कोई नहीं रहा, छोटी बेटी भी बीमार है, सबको बुखार हो रहा है, तो इसलिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट देना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो मेरी आपके पास जल्द और जल्द आए। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।